आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सुन के डर भी लग सकता है, थोड़े भयभीत भी हो सकते हैं। 1998 मलेशिया की घटना 1998, वहाँ पे एक गांव का नाम नीपा, NIPAH, नीपा विलेज, वहाँ पे अचानक लोगों की डेथ होने लगी। डॉक्टर्स ने चेक किया कि आखिर ये क्यों लोग मर रहे हैं, ब्रेन फीवर हो रहा था। उस गांव में बहुत सारे पिग्स, हॉग और फ्रूगी वायरस बैट, फल खाने वाली चमगादड़ रहती थी। उन डेड बॉडी के अंदर एक वायरस मिला, उस वायरस का नाम नीपा रख दिया गया, NIPAH, जिसे NIV वायरस भी कहते हैं। पिग से वो वायरस उन बैट्स में पहुंच गया, फ्रूगी वायरस। वो बैट जगह जगह जाती, फल खाती, वहां से कैटल्स में हुआ। और जितने लोग इन्फेक्टेड हुए थे, 50% की डेथ 48 आवर्स में हो गई। 48 आवर्स, वो ज्यादा जिंदा नहीं रहने देता। 98 के बाद ये बीमारी आगे बढ़ के सिंगापुर 2004, वहां पे भी ऐसे ही इसने कहर मचा दिया, लोग शांत नहीं हुए। और सिंगापुर से बांग्लादेश 2006 तक, बांग्लादेश से कोई कैरियर, कोई उस बीमारी से पीड़ित इंसान हमारे केरल में 5 दिन पहले आया। यहां गौर करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 5 दिन पहले वो केरल में आया, वो इन्फेक्टेड था। जिस घर में गया उसकी लेडी भी इन्फेक्टेड हो गई। उस लेडीज के यहां पे 2 रिश्तेदार आए हुए थे, रिलेटिव्स, 25 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड। उन दोनों को इन्फेक्शन हुआ, बहुत जोर से फीवर आया, सिर में दर्द और चक्कर आने लगे और बेहोश होके गिर गए। अभी किसी को नहीं मालूम था प्रॉब्लम क्या है, मैं 5 दिन पहले की बात बता रहा हूं। डॉक्टर्स की टीम गई, नर्स ने उस लेडीज के ऐसे हाथ रख के देखा नाक के सामने कि सांसें चल रही हैं या नहीं। सांसें चल रही थी, लेकिन सांसों के साथ में वो वायरस भी चल रहा था और उस नर्स के हाथ में आ गया। नर्स भी इन्फेक्टेड हो गई। अगले 48 आवर्स में वो लेडी, वो दोनों उसके रिलेटिव और वो नर्स की डेथ हो गई। अब गवर्नमेंट को टेंशन हुई कि ये तो समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है, ब्रेन फीवर कह दिया, अनजान वायरस। तुरंत उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को फोन किया, मोदी जी को, हमें बचाओ अभी, क्योंकि वहां गवर्नमेंट नहीं बनी। उन्होंने अपनी टीम भेजी, पता लगा वहां पे वो वायरस है जो 2018 में दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस निपा, केरल में काजी मोड़।